दोस्तों ये देख लो इसकी, ये चीज़ देखो कितनी मोटी हो रही है, ये गांठ देखो। और मैं मुंह खोल के वो दिखा देता हूँ, देखो सफ़ेद सफ़ेद दिखाई दे रहा है ना पूरा, ये देखो भाई ये देख लो जो सफ़ेद सफ़ेद दिखाई दे रहा सारा। दोस्तों गोली लेनी है आपको और ऐसे करके निकालनी है, ठीक है। और निकालने के बाद ना इसमें से चार हिस्से करने हैं। चार हिस्से किस तरीके से करने हैं, ये जो गोली की शेप होती है ना आप देखते हो ढोलक जैसी, ये शेप होती है, इसको तोड़ने का आधी गोली तोड़ने का बहुत आसान तरीका है। अगर हम ऐसे करके दबाएंगे ना नीचे की साइड तो ये आधी आधी टूट जाएगी, ये देखो ठीक है, आधी आधी टूट गई। उसके बाद इस आधी गोली में से हमें आधी करनी है, ये देखो बहुत आसानी से चौथा हिस्सा हो गया, ठीक है। अभी चौथा हिस्सा ना हमें फोड़ना है इस तरीके से। आप कोई भी चीज़ ले सकते हो किसी भी चीज़ के ऊपर साफ़ जगह पे, मतलब तोड़ पीस सकते हो इस गोली को, अच्छी तरीके से पीस लें इसको। ठीक है, गोली पिस जाती है, ज़्यादा कोई उसका मुसीबत का काम नहीं है, बहुत आसानी से पिस जाती है। अब मैं कबूतर को दिखाता हूँ आपको देनी कौन सी है। अभी मैं ये भी बताऊँगा गोली कौन सी, वीडियो में बने रहें, गोली बताऊँगा कौन सी गोली है ये। अब मैं बताता हूँ आपको कबूतर को देनी कैसे है। दोस्तों देख सकते हो ये कबूतरी है और इसके देखो कितनी मोटी गांठ हो रही है, ये गांठ देख रहे हो कितनी मोटी हो रही है। ये कपास भी देखो इसके मुंह में सफ़ेद सफ़ेद हो रहा है ना, ये देखो ये बीमारी होती है, ठीक है। अब मैं दिखाता हूँ आपको दवाई किस तरीके से देनी है। कबूतर की चोंच खोलनी है आपको और ये दवाई है ना ऐसे करके चुटकी में भरो इस तरीके से और कबूतर के मुंह में इस तरीके से डाल दो, ठीक है। ये आसान तरीका है, ऐसे करके कुछ भी डाल दो। ऐसे ना करें कि सरसों का तेल, काफ़ी लोग करते हैं सरसों का तेल लगा कर सफाई करते हैं, उससे कुछ नहीं है, मुंह में और इन्फेक्शन हो जाएगा, ठीक है। अगर तेल डालना तो सिंपल ऐसे ही डाल सकते हो, मगर दवाई मैं बता रहा हूँ आपको इंग्लिश दवाई, इस तरीके से इसके मुंह में डाल दो जो अच्छी तरीके से गले में लग जाए, पूरा चौथा हिस्सा पूरा का पूरा इस तरीके से डाल दो। ये 5 से 7 दिन में कबूतर बिल्कुल ठीक हो जाता है, ठीक है। ये शाम के टाइम इसको दे दें, देखो क्या हालत हो रही है कबूतरे की, बहुत ज़्यादा कमज़ोर भी हो रही है। तो ज़्यादा दवाई ना देके सिंपल है, सिर्फ यही गोली दे दें, इससे ही कबूतर आपका ठीक हो जाएगा। चलिए दोस्तों वीडियो लंबी ना खींचते हो, मैं आपको दवाई बता देता हूँ। यही दवाई थी जो मैंने कबूतर को दी थी, ठीक है। और ये दवाई आपको चौथा हिस्सा पीस कर उसके मुंह में डालना है, शाम के टाइम दाना वगैरह खिला के शाम के टाइम कबूतर को दे के छोड़ दें, जो कबूतर पानी ना पिए और उसके गांठ में दवाई भी लग जाए और मुंह में भी लग जाए अच्छी तरीके से। अब मैं आपको दवाई बता देता हूँ और दवाई स्क्रीन पर भी लगा दूँगा। दवाई का नाम है फ्लाइजिल 250 mg, ये सस्ती मिलती है, ज़्यादा महंगी नहीं मिलती, ठीक है। जितनी मुझे ज़रूरत थी मैं उतनी लेके आया था, क्योंकि ज़्यादा दवाई लाना वही है, दवाई ख़राब हो जाती है, रखे रखे एक्सपायरी हो जाती है, इतना यूज़ होता नहीं है, अपना लिमिटेड दवाई लाओ और सबसे बढ़िया है। और मैं 6 गोली लाया था, ये मेरे ख्याल से 2 या 3 महीने पुरानी है, अब मेरे पास 2 या 3 गोली बची हुई थी, ये भी काम आ गई, तो मैंने आपको बता दिया है। चौथा हिस्सा लेना है, उसको पीस के कबूतर को मुंह में डालना है, जिससे कबूतर बिल्कुल एकदम परफेक्ट हो जाएगा। दोस्तों मिलेंगे अगली वीडियो में, वीडियो पसंद आए तो चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें, वीडियो लाइक ज़रूर करें जिससे वीडियो हमें तक आगे तक पहुंच पाए, ठीक है। और वीडियो पर कमेंट ज़रूर करें, अगर आपके कबूतरों में कोई भी बीमारी है तो कमेंट करें, उसका इलाज जैसा होगा वैसा बताएँगे, देसी से अंग्रेजी से जैसे भी ठीक हो पाएगा बिल्कुल आपको बताने की कोशिश करेंगे। तो दोस्तों मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।